रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नु पेमेंट रिलीज करवाने बहाने वीमा लोकपाल माथी बोलता होवानु कही लाखों पड़ावनार ठग ने यूपी ने साइबर क्राइम में झड़पी पाड्यो हतो। साइबर क्राइम में गोपीपुरा खाते रहता आधेड़े नोंधावेली फरियाद में जणाव्यु हतु के अजाण्याए तेओने रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस माथी पॉलिसी नु पेमेंट रिलीज करवाने बहाने वीमा लोकपाल माथी बोलता होवानी खोटी ओळख आपी अलग अलग चार्ज पेटे तथा पेन्शन स्कीम में नामे लाडली योजना नामे 6,80,000 થી વધુ પડાવી લઈ ઠગાઈ આચરી હતી। જે ફરિયાદના આધારે સાયબર ક્રાઇમની ટીમે ઉત્તર પ્રદેશ ખાતે ઠગ એવા દેવેન્દ્ર મહેનચંદ્ર ગુપ્તાને ઝડપી પાડ્યો હતો અને તેની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। બીજા કેસ ડિટેક્ટ થયા છે, આ પોલિસી ફ્રોડ છે। રુસ્તમ અલી કમરુલ અંસારી ઉંમર વર્ષ 52 નામનો એક ઈસમ જે ફરિયાદી છે, આ ગોપીપુરા सूरतना रहवासी है और मूल बिहार रहवासी है। एनी एक रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस नी पॉलिसी है। पॉलिसी मैच्योर थी गई थी, आठ डेटा एनी इंश्योरेंस पॉलिसी ना आरोपी ने मळ्या कि आ पॉलिसी मैच्योर थवामां छे। एना फोन नंबर मळ्या तो फरियादी ने फोन करीने एने जाण करवामां आवी के तमारे आ मेच्योरिटी 18 लाख रुपया परत मेळववा होय तो तमारे जुदा जुदा चार्ज पेटे अने पेन्शन स्कीम ना नामे अने एक सरकारशीनी लाडली योजना ना नामे आ तमाम सोशल इंजीनियरिंग प्रकारना फ्रॉड छे, जेमा माणस ने एवी रीते वातो करवामां आवे छे कि माणस आमां फसाई जाय छे। एवी रीते कुल 6,79,902 रुपया जुदा जुदा एकाउंटों में ट्रांसफर करावी फरियादी साथे छेतरपिंडी आचरवामां आवी। जे आरोपी अटक करवामां आया छे एनुं नाम छे देवेंद्र सन ऑफ महेश चंद्र आशाराम गुप्ता, उम्र वर्ष 37, आ सेक्टर 9 थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश नो रहवासी छे। 12 ધોરણ सुधी अभ्यास करेल छे अने नोएडा खाते टाटा स्काय D2H ना कॉल सेंटर में टेलीकॉलर तरीके नौकरी करता होवानुं जाणवा मळेल छे। आ त्रणेय केसों में जे विगतो मैं आपी आनाथी फलित थाय छे। ब्यूरो रिपोर्ट, समय मीडिया न्यूज, सूरत।